सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले दे विच कारोबारी विजय नायर नू गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई दे एक अधिकारी ने इस जानकारी दी है। विजय नायर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउड दे साबका सीईओ ने। तो दस दिए कि जानकारी मुताबिक विजय नायर नू सीबीआई हेडक्वार्टर बुलाया गया ते पूछगिछ तो बाद उन्होंने गिरफ्तार है जो कर लिया गया। उसनू साजिश रचन कार्टलाइजेशन अते चुने हुए लाइसेंस लई गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई का दोष है विजय नायर राय एक शराब फर्म के मालक तो रिश्वत लई गई सी। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले च एफआईआर दर्ज की है जिस विच विजय नायर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अते 13 होरां नू नामजद भी किया गया। आपने सीबीआई वालों विजय नायर की गिरफ्तारी से बयान जारी किया है जिस किया गया विजय नायर आपके संचार इंचार्ज ने पहला पंजाब अते हुण गुजरात विच संचार रणनीतियां नू विकसित करन अते लागू करन दे लई जिम्मेवारी संभाल रहे सी। उन्हां दा आबकारी नीति नाल कोई लेना देना नहीं है। हैरानी वाली गल तां इह है उसनू सीबीआई ने आबकारी मामले दे विच गिरफ्तार किया। आप दे राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी के इस बयान का ट्वीट है वह भी साझा किया है। सो आपने अगे भी किया है कि विजय नायर को पिछले कुछ दिनों तो पूछगिछ लिए बुलाया गया से ते उन्होंने मनीष सिसोदिया का नाम लैन लिए दबाव पाया गया से। जो उसने अजिहा करन तो इनकार कर दिता तो उसनु गिरफ्तार करन दी धमकी दी गई। पिछले एक महीने में दो बार उसके घर छापेमारी की पर मिलया कुछ नहीं। ये आपनू कुचलन आप की गुजरात मुहिम के रुकावट पाउण दीआं भाजपा दीआं कोशिशां दा हिस्सा है।